ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अनुमंडलीय अस्पताल में डेंगू के 10 संदिग्ध मरीज फिर भर्ती हुए, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में सभी मरीजों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं डेंगू के संदिग्ध मरीज में कृष्ण नंदन वर्मा, अनु कुमारी, विक्रम कुमार, अभिषेक कुमार, ज्योति कुमारी, ममता कुमारी, आभा देवी, रेखा देवी, राकेश कुमार, पूजा कुमारी शामिल है। सभी का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं डीएम के निर्देश के बावजूद नगर परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा शहर में विशेष साफ सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। वहीं अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र ने बताया कि सभी मरीजों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है, सभी मरीज स्वस्थ भी हैं। वहीं विभाग की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।